आपका। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतने दुर्गम जगह पे हम लोग के पास पहुँचे, जो काम कर रहे हैं इस योजना के बारे में, इसके बारे में सारे लोगों को पता चले, तब जाकर मतलब किसी योजना का जो पूरा पूरा लाभ होता है। कैसी योजना है ये? ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मतलब अभी सर्वे चल रहा है आबादी एरिया का। इसमें है कि ड्रोन सर्वे से, ड्रोन के थ्रू पूरा मैप गांव का सर्वे हो रहा है, और ये वो भी आबादी में घर बना हुआ है, मतलब जो यूँ कहिए कि जिसका मतलब कि कागज़ नहीं होता है, घर है लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं है। तो ये सरकार की एक योजना है जिसके थ्रू मतलब कि गरीब जो भी है या जिनके पास घर है घरौनी, उनको घरौनी दिया जाएगा। साफ तौर पे बताइए ग्रामीणों को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ग्रामीणों को सीधा सीधी फायदा होगा, उनको घरौनी मिलेगा, और वो लोग इस योजना के तहत जब उनको घरौनी प्राप्त हो जाएगी, बैंक में वो लोन ले सकते हैं, वो घर पे उनका मालिकाना हक हो जाएगा, वो ज़मीन को खरीद बेच सकते हैं। और साथ ही साथ में बहुत बार होता है क्या होता है कि मतलब कि आपसी विवाद हो जाता है, जब कोर्ट में जाता है उसको सुलह करने के लिए, यानी कि जब कहीं ना कहीं बेल का मैटर आता है तो उस समय उनके पास कागज़ वगैरह नहीं होता है, तो उस सारे चीज़ों में भी वो अपना यूज कर सकते हैं। जैसे अब घरौनी की बात कर रहे हैं तो देखा जा रहा है कई बार कि मकान किसी और का होता है, कब्जा करके कोई और रह रहा होता है, तो ऐसे केसेस में ये किस तरह से काम करेगी योजना? मकान किसी और का है, कोई और किया है, हाँ, तो ये सारी तो मतलब कि पेंडिंग एरिया रहेगा, मतलब जो भी कोर्ट से डिसाइडेड होगा। ये नॉर्मल क्षेत्र में जहाँ पे घर है और उनका ज़मीन पे अपना मतलब घर भी है ज़मीन भी है, लेकिन आपसी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, उस पर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, विवाद नहीं है, तो सीधा मतलब लेखपाल जी के थ्रू उसको मैप बन करके आएगा, चिन्हित करके उनको नंबर वगैरह दे दिया जाएगा, मतलब कार्ड जैसे आधार कार्ड है ना, उसी प्रकार एक प्रकार का घरौनी दिया जाएगा। और ये समझिए एक प्रकार से डिजिटल मतलब कि जितना ज़मीन है उसका डिजिटल पूरा डाटा हो जाएगा। किस क्षेत्र में फिलहाल ये सर्वे चल रहा है? ये पूरा अभी चल रहा है रसड़ा बहार में, हाँ, और आज पूरा मतलब सर्वे बढ़िया से हम लोग का लगभग आज कम्प्लीट हो जाएगा। पिछले एक महीना से हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अब तक कौन कौन बचे हैं? हाँ, अब तक मेरा पहला जॉब लोकेशन भी यही है, ठीक है, और इससे पहले मैं एक तहसील को पूरा करके आया हूँ, बैरिया तहसील, और अभी ये रसड़ा को मैं कंप्लीट कर दूंगा, आज कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का अगला होगा फिर सदर में है कुछ, उसको काम करना। कब तक पूरे बलिया जनपद को कवर कर लिया जाएगा? ऐसे मौसम पे बहुत सारे डिपेंड रहता है, चाहे चूँकि हाँ अनुमानतः ये फरवरी में अगर चुनाव वगैरह भी आ गया है, लेकिन फरवरी तक कम्प्लीट हो जाएगा ये योजना। अरे